आज शुरुआत दो गंभीर सवालों से करते हैं। क्या आपको सोशल मीडिया पर किसी ने कभी कोई भद्दा मैसेज भेजा है? क्या आपके इनबॉक्स में कभी कोई नग्न तस्वीर आई है? मुझे पता है कि इस पर आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ होगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार होते हैं, लेकिन पुलिस में इसकी शिकायत नहीं करते। ऐसा क्यों है? पुलिस के पास नहीं जाने की वजह क्या है, और क्या किसी को ब्लॉक कर देना काफ़ी है? आज के म्याऊं में हम इसी पर बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज सुबह मेरी नज़र एक ट्वीट पर पड़ी। उस ट्वीट में लेखिका और पत्रकार एना एम एम बेटिकैड ने खुद को भेजे गए भद्दे मैसेजेस के बारे में बात की थी। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया, इस आदमी ने मुझे दो वीडियो भेजे। मुझे लगता है कि ये मास्टरबेशन के वीडियो थे। लगता है इसलिए कि मैंने ये वीडियो खोल कर नहीं देखे, और वीडियो के थंब से समझ आ रहा है कि वो मास्टरबेशन का वीडियो है। उन्होंने आगे बताया कि ये वीडियो उन्हें फेसबुक पर भेजे गए थे। इस मैसेज और इस शख्स को उन्होंने फेसबुक पर रिपोर्ट किया, लेकिन दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी फेसबुक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस शख्स को फेसबुक पर ब्लॉक भी कर दिया है। हालांकि उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके पास इतना वक्त और रिसोर्स नहीं था। उन्होंने बताया कि उस शख्स ने उन्हें 3 जुलाई 2022 को भद्दे मैसेज भेजे थे। उससे पहले 2021 में उस शख्स ने गुस्से में उन्हें मैसेज भेजा था एक फिल्म रिव्यू को लेकर। उन्होंने लिखा, सच कहूँ तो मैं थक गई हूँ उस कूड़े के बारे में बात करते हुए जो सोशल मीडिया के जरिए हम औरतों तक पहुँचता है, खासकर मुखर औरतों तक। आवाज़ उठाने वाली हर महिला की तरह मैं भी इस बारे में बार बार बोलती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद इससे कोई सकारात्मक बदलाव आए। अन्ना ने लिखा कि सोशल मीडिया कंपनीज़ इस तरह के अब्यूज़, नफ़रत और पूर्वाग्रहों को जगह देने में कंफर्टेबल है, क्योंकि ये उनके बिजनेस को प्रभावित नहीं करता। अगर करता तो आप शर्त लगा लो, रातों रात चीज़ें बदल जाती। उन्होंने लिखा, अपने जननांगों की फ़ोटो और मास्टरबेशन के वीडियो मुखर औरतों को भेजने वाले पुरुषों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके जननांग देखकर कोई औरत डर जाएगी, तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। आप घटिया हैं और हमें आप पर तरस आता है। ये तो वो अनुभव है जो एक महिला ने सार्वजनिक तौर पर शेयर किया। हमारे पास लगभग रोज ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें लड़कियां अपने पास आने वाले भद्दे मैसेजेस की शिकायत करती हैं। बताती हैं कि उनके पास कोई पुरुष अपने पीनिस की फोटो भेजता है, कोई महिलाओं की नग्न फोटो भेजकर उनसे अश्लील बातें करता है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने इसे लेकर पुलिस में शिकायत की। उनमें से ज़्यादातर इससे इनकार करती हैं। पिछले दिनों सामने आई फेसबुक की इंटरनल स्टडी में पता चला कि कई महिलाओं ने फेसबुक का इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर चिंता थी। फेसबुक के रिसर्च के मुताबिक इस तरह की बात पहले सामने नहीं आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंटेंट सेफ्टी और अनचाहे कॉन्टैक्ट से आने वाले मैसेज महिलाओं के फेसबुक के अनुभव को खराब करते हैं। मैंने आज कई महिलाओं से बात की, उनसे पूछा कि क्या उनके पास कभी इस तरह के मैसेज आए। उनमें से ज़्यादातर ने बताया कि आते रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन मैसेजेस के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत की। वजह पूछने पर वो बताती हैं कि पुलिस के पास जाना अपने आप में एक काम है। पहले शिकायत के लिए जाओ, फिर बयान दर्ज कराने के लिए जाओ, और फिर केस का फॉलोअप लेते रहो। उनका कहना था कि आपके साथ एक दो बार मैसेज आए तब तो आप सोचो भी कि पुलिस के पास जाना है, लेकिन अगर आपके पास लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो आप कितनी बार पुलिस के पास जाओगे, कितनी बार केस को दर्ज कराओगे, कितनी बार अपनी शिकायत बताओगे और कितने केसेस के फॉलोअप लेते रहोगे। ऐसे में इन महिलाओं को ये बेहतर ऑप्शन लगता है कि वो उस व्यक्ति को रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दें। सोशल मीडिया पर होने वाले हरासमेंट को लेकर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट देविका गौड़ से। देविका गौड़ ने बताया कि ट्रू कॉलर की एक स्टडी में सामने आया कि हर 10 में से 8 महिलाएं ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन उनमें से केवल 12% महिलाएं ही ऐसे केसेस को रिपोर्ट करती हैं। देविका ने यह भी बताया कि आरोपी को पकड़वाने के लिए ज़रूरी है कि केस दर्ज हो। उन्होंने और क्या कहा, आप पहले उन्हीं से ही सुनिए। आपका काम उनको इग्नोर करना नहीं है, आपका काम है कि आप सामने आए और ऐसे किसी भी क्राइम को जो आपके साथ कमिट हो रहा है उसको रिपोर्ट करें। सामने आकर पुलिस को एक कॉल करें, 100 नंबर का कॉल या एक FIR ऐसे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट जरूर कराएं। अगर आप ही सामने बढ़कर आकर सिर्फ इस डर की वजह से कि पुलिस मशीनरी अपना काम नहीं करेगी या कोर्ट में बहुत टाइम लग जाएगा, आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्राइम कभी भी रिपोर्ट हो ही नहीं पाएगा और पता नहीं चल पाएगा कि वो ऑफेंडर जो आज आपके साथ ये क्राइम कमिट कर रहा है वो कल को किसी और फीमेल के साथ करेगा, या क्या पता और कितने बड़े लेवल पर ये क्राइम कमिट हो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सामने आए और सामने आकर इस क्राइम को रिपोर्ट करें।
अगर टेलीफोनिकली आपकी किसी भी ऐसे अननोन पर्सन से बात हो रही है, तो जब आपकी कॉन्वर्सेशन, जितनी भी टाइम की आपकी कॉन्वर्सेशन रही, उसका डेट टाइम क्या था, कितने मिनट वो कॉन्वर्सेशन चली, फोन की जो वॉइस टोन होती है, सामने वाला जो इंसान है वो बड़ा है बूढ़ा है, किस एज ग्रुप का है, लगभग उसका एक आइडिया आपको लग जाता है, उसकी आवाज से, उसके एक्सेंट से आपको कुछ पता चल जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप पुलिस को जब रिपोर्ट करते हैं तो एज एन एविडेंसेस आप ये सारी चीजें उन्हें देते हैं। यही सारी चीजें पुलिस को हेल्प करती हैं अपने एफआईआर के कंटेंट को और स्ट्रांग बनाने में। तो ऐसे में आपको डरकर पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसे में आपको सामने आना चाहिए और उस क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये ऑफेंसेस रिपोर्ट नहीं हो पाएंगे और इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। देविका ने बताया कि थाना जाने के बजाय महिलाएं और कैसे शिकायत करवा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज होता है, आप वो भी सुनिए। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल भी ऐसे हैं, जैसे कि हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग है, जहां पे आप ऑनलाइन भी ऐसी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये ऑफेंसेज हैं, ये पीनलाइज्ड ऑफेंसेज है, पनिशेबल ऑफेंसेज है, जिसमें आईपीसी में कई सारे सेक्शन के अंदर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि ये पनिशेबल है। जैसे कि सेक्शन 354A सेक्शुअल हैरेसमेंट की बात करता है, जिसमें मैक्सिमम 3 साल पनिशमेंट है। सेक्शन 354D स्टॉकिंग की बात करता है, इस स्टॉकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से फॉलो किसी को करना, स्टॉक करना भी काउंट किया जाता है, इसकी भी पनिशमेंट 3 साल की है। इसके बाद 506 है, 507 है, 509 है। 506 आपकी बात करता है धमकी की, 507 आपकी बात स्पेसिफिकली आपकी बात करता है कि कोई भी ऐसे थ्रेड्स जो वुमेन को ऐसे मोड के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू या किसी भी मोड के थ्रू मिल रहे हैं तो आप इन्हें रिपोर्ट कीजिए। पहले सेक्शन 66A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हुआ करता था, जो एफआईएस के अंदर जोड़ा जाया करता था, बट 2015 के सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंगल के जजमेंट के बाद इस सेक्शन को स्क्रैप कर दिया गया और अब 67A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर एफआईआर में इसे लॉन्च किया जाता है। सोशल मीडिया पर औरतों को भद्दे मैसेज और नग्न तस्वीर भेजने वालों की मानसिकता क्या होती है, ये समझने के लिए मैंने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अखिल अग्रवाल से बात की। आप पहले उनकी बात सुनिए। साइकोपैथोलॉजी की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी। देयर इज सम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हैं, दे आर सेक्सुअल मुंगर्स, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सेक्सुअल पर्सन, सेक्सुअल पार्टनर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देन समटाइम दे आर सैडिस्टिक, यानी कि वो सैडिस्टिक पर्सनालिटी होती है उनकी, बहुत ज्यादा दे आर समटाइम सेक्सुअल ऑब्सेस्ड होते हैं, जिसे हम सेक्सुअल मुंगर्स भी कहते हैं। तो ये पर्सनालिटी होती है। दूसरा, बहुत सारे लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, आज की डेट में जो होता है फन होता है या केयरलेस एटीट्यूड होता है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं कि क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कई बार इसके पीछे एडिक्शन होता है, यानी पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और सम अदर एडिक्शन इस तरह के बिहेवियर कर लेता है, या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि सेक्सुअल ऑब्सेशन मैंने कहा, मेनिक सिम्टम्स हैं, या स्किजोफ्रेनिक, समटाइम्स स्किजोफ्रेनिक्स हैं, या बहुत बार जो बच्चे होते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं, धीरे धीरे उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो सेक्सुअल की तरफ बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति का उसकी परवरिश से कोई संबंध है? कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनमें अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है या सैडिस्टिक पर्सनैलिटी है, तो सेम पर्सनैलिटी वो बच्चों में जाती है। नार्सिसिस्टिक पर्सन में जो पर्सन होता है उसको ये लगता है कि सारी जो चीजें हैं वो मेरी है, मेरा अधिकार है, एंड आई कैन डू एनीथिंग, चाहे वो सही है या गलत है। जो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है वो बच्चों में जब आगे क्रॉस होती है तो बच्चे सीखते हैं आप कैसे, जो घर के पेरेंट्स हैं वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनसे कैसा बिहेव करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे इस पर असर डालते हैं। बहुत बार जो पेरेंट्स होते हैं वो हाइपर सेक्सुअल होते हैं, या वहां पर जो हम होते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा ओपन अप होती हैं, जहां पर कि सेक्सुअल जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भी इस तरह के बिहेवियर में बहुत आगे बढ़ते हैं। या हम यूं कहें कि हर बार पेरेंटिंग ही जिम्मेदार नहीं है, जैसा हमने बताया कि कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो होती है या साइकोपैथ पर्सनैलिटी होती है वो भी जिम्मेदार होती है। एक समाज के तौर पर हम इसे कैसे रोक सकते हैं? आपके परिवार का कोई बच्चा है जो सेक्सिज्म करता है, सबसे पहले हमें उससे बात करनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉक टू हिम और हर, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमें उसकी साइकोपैथोलॉजी समझ में आती है। अगर हमें लगता है कि उसकी साइकियाट्री में कुछ प्रॉब्लम है, साइकी में प्रॉब्लम है, तो हमें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। या अगर अंडरलाइन वो डिप्रेशन का शिकार है या उसके कुछ सेक्सुअल मिसकंसेप्शन है, तो हमें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। बहुत बार एडोलसेंट एज में जब बच्चा आता है
तो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स डेवलप होने लगती है और वो रॉन्ग ट्रैक पे जाने लगता है। सही सेक्स एजुकेशन से हम उसे सही तरह से सिखा सकते हैं। देन आप जो बिहेवियर करते हैं, वो बिहेवियर जो होता है वो बच्चों को सिखाता है कि हमें सोसाइटी में कैसा रहना होता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है उसे पता ही नहीं होता कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। उसको जेल हो सकती है, उसके परिवार को जो सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ सकता है, उसकी इमेज स्पॉइल हो सकती है, उसकी जॉब जा सकती है, उसकी स्टडीज खत्म हो सकती है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति है हमें उसे उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी समझाने चाहिए। सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आना एक परेशान करने वाला अनुभव है। कई महिलाएं इससे बचने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म से ही दूरी बना लेती है। वहीं कई महिलाएं आरोपियों को ब्लॉक करने का ऑप्शन चुनती है। पर जैसा कि एडवोकेट देविका ने बताया, ये ज़रूरी है कि आप अपने आरोपी, मतलब जिसने आपके साथ वो हरकत की है, उस आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करें ताकि वो आरोपी पकड़ा जाए। हो सकता है कि आपके साथ साथ वो कई और महिलाओं को इसी तरह प्रताड़ित कर रहा हो, कई और महिलाओं को असुरक्षित महसूस करा रहा हो। उसे रोकना ज़रूरी है और इसके लिए ब्लॉक करना महज एक जुगाड़ है, समाधान नहीं। समाधान के लिए हमें पुलिस के पास जाना होगा। आज का एपिसोड आपके लिए लिखा था मेरी साथी कुसुम ने। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आपके क्या अनुभव है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।